संजय जी शक्ति केंद्र संजय देखो सामने यहाँ के पंच हैं, यहाँ के पंच हैं दिवाली प्रधान पार्टी अध्यक्ष को बताना चाहिए भाई मंडल अध्यक्ष पार्टी। मुझे दो तीन बातें ही कहनी है कि जब आज मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, 17 साल पहले भी था जब अटल जी की सरकार थी तब भी था, पर हम कार्यकर्ता पहले, और ये जो मिशन है कि लोगों के मन से भय भी समाप्त होना चाहिए, जानकारी बढ़नी चाहिए, और तीसरा जो संवाद कम हुआ है, गैप हुआ है, उस गैप को हम जल्दी से जल्दी कैसे भरेंगे। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ पिछले 70 साल में राष्ट्रीय में और भारत के बीच, लेकिन ठीक है जो चीज थी वो निकल गई। अब जो चीजें 70 साल में नहीं हो पाई वो 7 घंटे में या 7 दिन में नहीं हो पाई, उसके लिए थोड़ा समय तो चाहिए। तो कई बार हमारे बीच में जो लोग होते हैं वो पेशेंस होता नहीं, तो इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा है कि लगातार हम विरोध की राजनीति करते रहे तो सत्ता की राजनीति का मानस हमारा नहीं है। जब हम सत्ता की राजनीति में होते तो हम शिकायत करता नहीं होते, हम लोगों की शिकायत सुनने वाले होते, और अभी वो माइंडसेट नहीं बना। उदाहरण आपके सामने बातचीत में आया होगा तो जो हमारे अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के, वो ठीक माइंडसेट में, मुझे लंबी दृष्टि से कमियां होंगी, सारे लोग आपके उंगलियों पर या इशारों पर काम नहीं करेंगे, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में तो काम करना पड़ेगा और वो हमें भी करना चाहिए। जो आप भी ऐसी गलती ना करें तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की आजादी के 75 साल गड़बड़ है ना? अरे ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, आप दोनों एक मत क्यों नहीं हो? जब मैं अटेंड करता हूँ ना प्रोग्राम में, क्या बोलेगा तो मंत्री क्या करेगा? नहीं इसमें बीच में अपन इसको डिफेंड मत करो, तो अपन आपस में बैठ के पहले एक बार